लगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, हमें दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास पहले रूल्स होते हैं, ठीक है। वो रूल क्या होते हैं कि जो दो वेक्टर होते हैं ना उनको सबसे पहले हमने क्या करना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है एरोड लाइन के साथ। एरोड लाइन का मतलब होता है उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बतानी है उसके लिए। तो सबसे पहले गिवन वेक्टर को रिप्रेजेंट करो ऑन एरोड लाइन ऑन सूटेबल स्केल्स एज वेल एज मैग्नीट्यूड फॉर सो डायरेक्शन से। डायरेक्शन के लिए हमें पता नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हम यूज करते हैं, और जो मैग्नीट्यूड के लिए होती है वो हमें खुद चूज करनी पड़ती है, 1 सेंटीमीटर कितने किसके बराबर है, जैसे हमें यूट्यूब पैसा करना है। सपोज जो 100 किलोमीटर नापना है, 100 किलोमीटर ईस्ट में होगा 50 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर, तो 100 किलोमीटर 2 सेंटीमीटर वो स्केल बना देंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, गिवन वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है एरोड लाइन, और उसके बाद क्या करना है पहली लाइन को वैसे के वैसे ड्रा कर देना है, दूसरी लाइन का जो दूसरी एरोड लाइन है उसका टेल को पहले वेक्टर के हेड के ऊपर रखना है, और फिर आखिर में एक नया वेक्टर ड्रा करना है, टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। तो जो पूरी लंबी लाइन बनेगी वो क्या होगा उनका एडिशन होगा, तो न्यू एरोड लाइन विल गिव द एडिशन ऑफ द टू वेक्टर। एग्जांपल तौर पे देखो, मान लो मेरे पास ए वेक्टर है, मैंने उसको रिप्रेजेंट किया एरोड लाइन के साथ, ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है मेरे पास, ठीक है, इनका जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है ये मैंने सूटेबल स्केल बना के डाल दिया। ऐड कैसे करूंगा, पहले मैं लिख दूंगा ए वेक्टर, फिर टेल लगाऊंगा दूसरे वेक्टर की हेड के ऊपर और दूसरा वेक्टर ड्रा कर दूंगा, बी कर दिया, फिर नया वेक्टर ड्रा करूंगा टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, ये नया बनेगा, दैट्स कॉल्ड द एडिशन ऑफ टू वेक्टर, दिस इज कॉल्ड द रिजल्टेंट वेक्टर। ऐड करने के 3 तरीके होते हैं, पहला तरीका है पैरेलल वेक्टर हो, पैरेलल वेक्टर का मतलब है सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, कौन सी डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन, ठीक है। हमने दूसरी है एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन होनी चाहिए, अपोजिट। और तीसरा है इंक्लाइंड बाय सम एंगल, इंक्लाइंड बाय सम एंगल, किसी एंगल के साथ इंक्लाइंड हो। फिर हम इन तीनों को 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे, ठीक है, थैंक यू। अरे थैंक यू, इस वक्त ये